डील डोल और जोड़ी इस गाय की बड़ी शानदार है सर जी, 19 लीटर दूध की गारंटी है। जो आप गैबिन गाय बता रहे थे 19 लीटर वाली, जी सर जी ये वाली है वो। हाँ जी, सबसे बढ़िया चीज है जी, गाय वही अच्छी जिसके साथ हो बच्ची। तो आज बछड़ी वाली दो गाय मिलेंगी। हाँ जी सर जी, ठीक तो सर जी वही बताएंगे जो है। हाँ, अपने लोगों के तरह नहीं है कि अभी तो सर जी 15 लीटर खीस है। हाँ सर जी, 15 लीटर खीस बहुत होता है। 15 लीटर खीस HF गाय, जर्सी गाय नहीं निकाल पाती। हमारी तीसरी चल रही है सर जी, जिस हमारे मेरे पास 3-4 गाय ऐसी है। हाँ, जो 25-25 लीटर के आसपास है, 24-25 लीटर सर जी, वो नहीं निकालती है सर जी। हाँ, 14-15 किलो खीस वो नहीं निकालती, कहाँ से निकाल देगी। सही है, सीताराम योगी भाई साहब को राम राम जी। राम राम जी, राम राम, जय गो माता, जय गोपाल जी। और जो दर्शक वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दूसरी बार देख रहे हैं, तीसरी बार देख रहे हैं, या सालों साल से देख रहे हैं, हाँ जी, उनको भी राम राम जी, बहुत बहुत राम राम। लगभग लगभग 6 दीपावलियां निकल गई है जी, हाँ जी, दर्शकों के साथ जुड़े हुए जी। और इसी क्रम में, इसी कड़ी में आज फिर से एक शानदार गायों की वीडियो लेकर आए हैं। हाँ जी, उम्मीद करूंगा दर्शकों को आज वाला वीडियो पिछली दीपावलियों पर जो ऑफर के साथ आए हैं जी, उनके जैसा ही लगेगा। हाँ जी, कितनी गायें दिखाएंगे आज भाई साहब? आज सर जी 6 गाय है। 6 गाय हैं जी। अच्छा, ब्याई हुई कितनी है इनमें? ब्याई हुई 3 है जी। 3 गायें ब्याई हुई है। हाँ जी, तो 50-50 का रेशो है जी सर जी। दूध जिनको तैयार चाहिए उनको भी मिलेगी। हाँ जी, और जो घर में ले जाके तैयार करना चाहते हैं उनको भी मिलेगी जी सर जी। ठीक है, पूरी डिटेल लेंगे जी सर। सबसे पहले जानेंगे आपका यहाँ का एड्रेस, पूरा पता दे दो जी यहाँ का। जी, मेरा नाम सीताराम योगी है, विलेज हाँ, चुन्नावड़ कोठी हाँ, जिला व तहसील श्री गंगानगर हाँ, और स्टेट राजस्थान है। ठीक है, गंगानगर से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से मात्र 13 किलोमीटर ही अपना गांव है। मैं हाईवे के ऊपर है, पदमपुर हाईवे पे। ठीक है जी, दीपावली के नजदीक के टाइम के लिए वीडियो कन्फर्म अच्छे अच्छे दिखाने के लिए सर, अपनी तो हमेशा ही अच्छी होती है जी। अच्छी होती है। हाँ जी, ठीक है, तो पूरी डिटेल दीजिएगा जी, मोबाइल नंबर और शेयर कर दो आपके जी। मेरा मोबाइल नंबर है 8003032902। ठीक, ये व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों है जी, दोनों फैसिलिटी है, तो दोनों में से किसी भी मीडियम से बात की जा सकती है। हाँ जी सर। ठीक है जी, शुरुआत करेंगे जी, सबसे पहले जानेंगे आपसे एक दूध की रेंज, गायों की दूध की रेंज कितनी रहेगी आज? सर जी, दूध की रेंज रहने वाली है 14 लीटर से लेके 16 लीटर तक। 14 से 16। हाँ जी, ठीक है, जो अभी ताजा ब्याई है उनकी बता रहा हूँ। हाँ, बाकी प्रेग्नेंट है जो उनकी तो 18-19 तक है। अच्छा, हाँ जी, तो ब्याई भी गायों की मिल्किंग भी देख सकते जी हैं सर जी। ठीक है, शुरुआत इसी गाय से कर लेते हैं जी। जी सर, नस्ल? राठी है सर जी, प्योर राठी। प्योर राठी जी, शुद्ध राठी। शुद्ध राठी जो चौलस्तानी बोलते हैं वो चीज है। हाँ, शुद्धता का वैसे तो कोई पैमाना नहीं रहता, लेकिन देखने से जब उस गाय के ब्रीड के करेक्टर्स अच्छे लगे जी सर जी, तो समझ जाइए इसके अंदर प्योरिटी ज्यादा है। सर जी, जो हाँ, बच्चा लेके ये बछड़ा है इसके नीचे, हाँ, वो भी प्योर राठी नस्ल का है, शुद्ध है। हाँ जी, ये भी कोई भी भाई जैसे राठी नस्ल पे ब्रीडिंग करना चाहता है उसके लिए सबसे परफेक्ट गाय है जी। ठीक है जी। अच्छा, ब्याई हुई को कितने दिन हो गए? ब्याई हुई सर जी आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन है। हाँ जी, दो दिन की ब्याई हुई है। कितना खीस तैयार है अभी? 11-12 किलो खीस है सर। 11-12 रेडी है। हाँ जी, कितने दूध तक जाने की दूध है सर जी? क्षमता लमसम मान के चलो 15-16 लीटर। 15-16। हाँ जी, और ये 11-12 तो अभी चेक करवा, 11-12 तो अभी चेक करवा सकते हैं। ठीक है, क्यों अभी बोलते हैं 15-16 तो तैयार है। हाँ सर जी, 15-16 जिसके खीस तैयार है, हाँ, वो तो इस हिसाब से तो जाएगी 25 लीटर पे। हाँ सही है। ठीक है, तो सीताराम जी एक बढ़िया सी कीमत और बता दो जी। सर जी, इसकी फिक्स कीमत है 55,000। फिक्स प्राइस 55,000। हाँ जी, 55,000। कोई 65 नहीं, कोई 60 नहीं। हाँ, अपने लोगों के इतने नहीं मांगते हैं। हाँ, जो चीज जितने की उतने ही मांगते हैं। ठीक है, फाइनल 55,000। हाँ, फाइनल 55,000 रुपए। ठीक है जी, तो ये दो नंबर पर स्वर्ण कपिला। स्वर्ण कपिला गिर है जी, गिर में स्वर्ण कपिला बहुत मुश्किल से मिलती है। हाँ, एक तो स्वर्ण कपिला मिले। हाँ जी, और एक गिर के अंदर स्वर्ण कपिला मिले, अंदर स्वर्ण कपिला, और दूसरा एक कॉम्बिनेशन और बैठ रहा है जी, नजदीक में धनतेरस आ रही है जी, और त्योहार दीपावली का आ रहा जी है सर जी। तो स्वर्ण स्वर्ण जैसी ही आती है दिमाग में तो सोना ही दिमाग में आता है जी सर जी। तो ये गाय सर जी रात को ही आई थी। हाँ, 250-250 किलोमीटर इस गाय के लिए चले गए थे। अच्छा, किसी भाई ने बताया था कि स्वर्ण कपिला गिर खड़ी है। हाँ, चलो भाई स्वर्ण कपिला गिर है तो क्यों नहीं लेके आएंगे। हाँ, लेके आएंगे। जाके देखा गाय बहुत अच्छी लगी हमें, शांत स्वभाव की है बिल्कुल। सेकंड बार बच्चा देगी सर जी, फर्स्ट टाइम में दूध दिया था इसने 14 लीटर। ठीक है, अब की बार दूध निकालेगी 15-16 लीटर। 15-16 तक आ जाएगी। 15-16 मतलब 7.5-8 लीटर एक टाइम का सर जी। फिजिकल प्रेजेंस गाय की बहुत ही शानदार है, बहुत सुंदर सर जी, बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट वेट बहुत अच्छा है जी। हाँ जी, ठीक है, अच्छी भी है। हाँ जी, और दूध में भी आप अच्छी बता रहे हो जी सर जी। कीमत में कितनी अच्छी है?
कीमत सर जी 85,000 रुपए। 85,000 हाँ जी, 85,000 रुपए जी सर जी। वैसे तो कोई कीमत नहीं है, स्वर्ण का पीला है सर जी। हाँ। जितने मांगो उतने ही कम है। हाँ। बाकी सर जी जेन्युइन जो चीज है। हाँ। जैसे कि मतलब गाय है वैसे अपने रेट रखेंगे। ठीक है, 85,000 रुपए कीमत है। हाँ। और अभी लमसम 10-12 दिन बाकी है, 10-12 दिनों में बच्चा दे देगी। 10 के 8 ले ले और 10 के 12 भी ले। अडर की बनावट शेप भी अच्छी है सर जी। ठीक है, सबसे बढ़िया चीज है जी गाय वही अच्छी जिसके साथ हो बच्ची। तो आज बछड़ी वाली 2 गाय मिलेंगी। हाँ जी सर जी। ठीक है, डिटेल इस गाय की भी शेयर कर दो जी। फर्स्ट टाइम बच्चा दिया है। हाँ। प्योर साहिवाल 101% सर। हाँ। और बछड़ी साथ में प्योर साहिवाल बछड़ी है जी। साहिवाल की बछड़ी। हाँ है, बुल की सीमन की है सॉरी। हाँ। सीमन की बछड़ी है। अच्छा, और सर जी इसको आज दिन हो गए 3 दिन की ब्याई। 3 दिन की ब्याई है, 11-12 किलो खीस है सर जी। आपके घर पे ही ब्याई है? हाँ जी, अपने घर पे। ठीक है जी, बिना सींग वाली है। हाँ जी। और खीस है 11 1 लीटर खीस। 11 लीटर। कितने दूध की उम्मीद रखें? ये 13-14 लीटर। 13-14 लीटर हाँ दूध की उम्मीद रखें जी सर। ठीक है, क्यों फर्स्ट टाइम है सर जी, फर्स्ट टाइम के तो इतना ही होता है। फर्स्ट टाइमर में इतना तो बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है सर जी। 10 लीटर भी बहुत होता है। इतना दूध फर्स्ट टाइमर में तो ब्रिड वाली हो गाय उसी में मिलता है जी सर जी। देसी नस्ल के अंदर 10 लीटर दूध हो फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा होता है। सही है, और वो भी साहिवाल में मिले। वो भी साहिवाल में। साहिवाल में बताने को तो सर जी प्रेग्नेंट होती हो तो 20 बता दो। हाँ। और जैसे कोई ऑनलाइन भाई खरीदता है 18 बता दो। हाँ। अपने वो काम नहीं करना, जो चीज है वो ही बताएंगे। तो जो अभी जितना टाइम जैसे ब्याई हुई को आपने बताया 3 दिन। हाँ जी। तो 3 दिन में गर्भ नाल भी नहीं हटता है और गर्भ नाल इस बछड़ी के अंदर भी आप देख पा रहे हैं जी, साथ में लटक रहा है जी। ठीक है, कीमत फाइनल? फाइनल कीमत है सर जी इसकी 70,000 रुपये। 70,000। हाँ जी, 70,000 रुपये सर जी। प्राइस 70,000 रुपये है, साहिवाल नस्ल में बछड़ी वाली गाय है जी सर। ठीक है, तो ये सीताराम भाई साहब की एक और बछड़ी वाली गाय। हाँ जी सर जी। ठीक है, इस गाय की भी डिटेल शेयर कर दो जी। सर जी फर्स्ट टाइमर है। हाँ। और साथ में भी बछड़ी है। बछड़ी की भी प्रेजेंस बहुत शानदार है, हाइट अच्छी बननी चाहिए। अच्छी हाइट है। हाँ। और साहिवाल नस्ल की बछड़ी है। साहिवाल ब्रीड में। हाँ जी। अच्छा। खुद ये राठी नस्ल में है, बछड़ी। हाँ। साहिवाल में। ठीक है, कितने दिन की ब्याई बताई? आज सर जी इसको भी 3 दिन हो गए। 3 दिन की ब्याई भी। हाँ जी। कितना खीस? यही 10-11 लीटर खीस है सर जी। दोनों में ही 10-11 लीटर है, एक पहले ब्यांत की और ये दूसरे ब्यांत की। अच्छा, ये भी पहले की है, फर्स्ट टाइमर ही है। फर्स्ट टाइमर ही है। फर्स्ट टाइमर दोनों जो है ब्याई है तो बछड़ियां ही लेके आई है। दोनों ही बछड़ियां लेके आई है। ठीक, दूध सर जी वही बताएंगे जो है। हाँ। अपने लोगों के तरह नहीं है कि अभी तो सर जी 15 लीटर खीस है। हाँ। सर जी 15 लीटर खीस बहुत होता है। 15 लीटर खीस HF गाय, जर्सी गाय। तीसरी पीढ़ी चल रही है सर जी, जिस हमारे मेरे पास 3-4 गाय ऐसी है। हाँ। जो 25-25 लीटर के आसपास है, 24-25 लीटर। हुँ। सर जी वो नहीं निकालती है सर जी। हाँ। 14-15 किलो खीस वो नहीं निकालती है, कहाँ से निकाल देगी? सही है, जिसकी जो मानो दूध क्षमता ही 14-15 की है। हाँ। तो 14-15 खीस कहाँ से निकलेगा? हाँ, खीस कहाँ से निकलेगा? खीस के आधार पर दूध आगे बढ़ता है जी सर जी। ठीक है, कीमत कितनी रखी है आपने? कीमत सर जी 60,000 रुपए। 60,000। हाँ जी, 60,000 रुपीज जी सर। बिल्कुल शांत स्वभाव की है। हाँ। और सर जी थोड़ा सा मतलब व्हाइट कलर आ गया, बिल्कुल वैसे राठी में बिल्कुल थोड़े पैचेज है। हाँ जी, जैसे गदरी राठी में रहते हैं जी सर जी। ठीक है, नहीं तो ब्लैक कपिला बोलते हैं। हाँ जी, और माथे में तिलक भी है, बहुत शुभ मानते हैं सर। माथे में तिलक है, बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण रखते थे ऐसी गाय, तिलक वाली गाय, तिलक होता था। हाँ, अभी मोदी जी के पास देखी थी एक गाय ने बछड़ी दी थी जी, तो उसके भी माथे पे तिलक था। हाँ जी, इसके भी तिलक है माथे। हाँ जी, ठीक है, ये वीडियो की सेकंड लास्ट गाय। हाँ जी सर, इसके बाद एक गाय और दिखाएंगे जी, डिटेल इसकी भी जानेंगे। गैबिन है? गैबिन है सर जी। कितने टाइम की भाई साहब? अभी सर जी 10-12 दिन बाकी है। 10-12 दिन बच्चा दे देगी जी। ठीक है, 10 से 12 दिन टाइम बच्चा देगी सर। दूसरी बार बच्चा। हाँ। देगी। ठीक है, सेकंड टाइम बच्चा देगी, फर्स्ट टाइम ने दूध दिया था 13 लीटर। टाइम कितना ले जाएगी ब्याने में? अभी 10-12 दिन सर। 10-12 दिन। हाँ। बता रहे हो जी, सेकंड टाइम। हाँ जी, ठीक है। कितना दूध रखा हुआ पिछली ब्यांत में? सर जी फर्स्ट टाइम में दूध दिया था 13 लीटर। 13 लीटर, 12-13 लीटर के आसपास, और अब की बार दूध निकालेगी 14-15 लीटर। उम्मीद 14-15 की है, तो 14-15 की उम्मीद से ले सकते हैं। उम्मीद से ले सकते हैं, और बाकी अच्छी सेवा हो जो भाई लेके जाएगा तो 15-16 भी निकाल दो। सही है, गैबिन लेनी हो तो ये ले सकते हैं। हाँ, और ब्याई भी लेनी हो तो ये ले सकते हैं जी सर जी। खूबसूरती कहें या बछड़ी वाली कॉम्बिनेशन कहें। हाँ जी, ये ब्याई भी में है जी। और जो गैबिन है। हाँ जी, ये साहिवाल में। साहिवाल में कीमत? साहिवाल में है सर जी। हाँ। अच्छे रेड कलर में है। हाँ। बढ़िया मुठिया थन है। हाँ। और बिल्कुल शांत स्वभाव की। कीमत? कीमत सर जी इसकी छोटी सी कीमत है 65,000 रुपये। छोटी कीमत 65,000। हाँ जी, 65,000 फाइनल जी।
या कुछ गुंजाइश रहेगी? मान सम्मान कर देंगे जो भाई लेगा उसका। ठीक है जी। डील डोल और झोली इस गाय की बड़ी शानदार है सर जी। 19 लीटर दूध की गारंटी है। जो आप गैबिन गाय बता रहे थे 19 लीटर वाली जी सर जी, ये वाली है वो। हाँ जी। हाँ, जोली बहुत शानदार है, बॉडी फिजिक बहुत हैवी है जी सर जी। डिटेल शेयर कर दो जी, कितना टाइम लेगी बयाने में? सेकंड टाइम बच्चा देगी। फर्स्ट टाइम ने दूध निकाला था 15 लीटर का। हाँ। जो गाय 15 लीटर फर्स्ट टाइम में निकालती है वो सेकंड टाइम में आराम से 18-19 के आसपास चली जाती है। तो इतना दूध रहता है तो वो गाय तो धमाल मचाती है। हाँ जी। जो इसकी मदर थी उसके सर जी 25 किलो दूध का रिकॉर्ड था तीसरे ब्यांत में। और डॉक्टर साहब थे उनके पास से आई हुई है। अच्छा। हाँ जी ठीक है। अभी सीमन से प्रेग्नेंट है? हाँ जी सर, सीमन से। ठीक है। लेके बछड़ा एक बछड़ी है वो भगवान को पता। अपने तो ऐसे कोई नहीं बोलेंगे नहीं है। ये सीमन से है ये। हाँ। वो है ये। हाँ। जो होती तो बता देते। हाँ। बाकी सीमन से प्रेग्नेंट है। हाँ। बछड़ा लाए बछड़ी लाए वो भगवान के हाथ में। सही है। जो भाई लेके जाएगा उसकी किस्मत। हाँ, किस्मत पे है। हाँ जी। कीमत कितनी? कीमत सर जी 65,000। 65,000 जी। 65,000 रुपीज। हाँ जी ठीक है। शानदार शानदार गाय देखने में आई है जी। उम्मीद करूंगा दर्शकों को भी पसंद आई होगी। हाँ जी। खूबसूरती भी शानदार है। ब्रीड अपने गाय ऐसी लेके आते हैं सर जी। हाँ। अपने ज्यादा ऐसे नहीं है कि 15 ले आए 20 ले आए गाय। 15-20 गाय लेके आए 15,000 की। हाँ। फिर वो उड़ाम्बे आए रोजाना। हाँ। क्या करेंगे सर जी, उससे अच्छा है 6-7 ले आओ। हाँ, अच्छी लेके आओ, अच्छी लेके। बाकी सर जी मैं गाय 10 लेके आया था, 4 गाय मेरी रात ही सेल हो गई थी। उनको तो वीडियो क्वालिटी में रहती है तो तुरंत सेल होती है। हाँ जी ठीक है जी। व्यूअर्स आपको कैसी लगी ये गायें जरूर से कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन भी दबा दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जी। और हौसला बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए भी कमेंट में जय गो माता जरूर से लिखें। जय गो माता, जय श्री राम जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। जय गो माता। जय गोपाल जी।